हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका और मैं पारस, आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंड राधिका पैरेंट्स मतलब वीडियो पर। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम इधर बना रहे हैं रोटी शाम का खाने के लिए। इधर तवा गर्म हो रहा था, चलिए जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक देते हैं और उसके बाद बनाया जाएगा। आदि को खाने का मन कर रहा है आलू चप, झारखंड में सब मतलब फेमस है आलू चप के नाम से। पटेटो बड़ा बनेगा फ्रेंड अभी, क्योंकि हम लोग होली के लिए नहीं बनाए थे। क्या क्या बनाते हैं तो सोचे कि ऐसे भी हम लोग के यहाँ पे बनाना ही पड़ता है कभी कभार, तो इसलिए हम लोग उस दिन नहीं बनाए ना। अदरक और मिर्चा ला के रखे और धनिया पत्ता तो ये अपना तैयारी करने लगे आलू चप बनाने के लिए। और हम आलू भी उबाल के रख लिए हैं, अभी जल्दी बनेगी। ये अदरक छिल रहे हैं, तो फ्रेंड सारे रोटी सेक लिए हैं, मेरा रोटी हो चुका है फाइनल। अब चलिए मसाला को तैयार कर लेते हैं और जल्दी वाली में आग भी जला लेते हैं। तो फ्रेंड आलू को फ्राई करने के लिए हम कढ़ाई चढ़ा दिया और ऑयल भी डाल दिया और हम इधर थोड़े से बादाम लिए हैं, ये कहते हैं नीचे कुछ काम था तो आ चुके सामान लेके। हाँ ये नीचे गए थे कुछ काम था फ्रेंड, तो चलिए अब थोड़ा सा बादाम को भी तल लेते हैं पहले, क्योंकि बादाम भी डालना है अच्छा लगेगा। कितना दूर भाग रहे देख रहे हैं, कैसे छिटक जाएगा इतनी जल्दी। चलिए इसको तल लेते हैं फ्रेंड। थोड़े से बादाम को तल लिए मसाला बनाते हैं। तो फ्रेंड फ्राई हो रहा है इधर हरी मिर्च और अब डलेगी इसमें अदरक और ये बना रहे हैं मसाला को और ये अच्छे से बना ले सकते हैं। तो ये डाल दिए अदरक पेस्ट है और काली मिर्च और जीरा का, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसाला फ्राई हो चुका और अब डलेगी इसमें आलू। मिक्स मसाला। तो फ्रेंड इधर मसाला तैयार हो गया और इसमें जो ना थोड़ा सा जो बादाम फ्राई किए थे वो भी डल चुका है, उसको मिला लेते अच्छे से, क्योंकि बादाम डालने से अच्छा लगता है। आलू पटेटो बड़ा आलू चप फ्रेंड हमारी झारखंडी फेमस आलू चप, इसलिए टापर से तैयार करते हैं और डल चुका। और इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती भी डाल दे रहे हैं और भी अच्छा लगेगा। और फ्रेंड इधर अब चलिए बेसन का घोल भी तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए हम ले लिए यहाँ पे बेसन और इसमें हम ऐड कर दिए नमक और हल्दी और चलिए इसको फटाफट से अच्छे से इसको मिला लेते हैं। पानी डालते हैं इसमें हम, तो फ्रेंड मेरा टिकिया बनके तैयार है और अब जाएंगे बेसन भी मेरा हो ये कर लिए हैं, बेसन भी मिला लिए हैं।
तो फ्रेंड देखिए आलू चप तैयार कर लिए बना के इतना सारा। चलिए अब खाया जाए, टेस्ट किया जाए कैसा बनाए हैं। हम बनाएंगे तो आप ही को तो बोले आप तुम बोले तो हम बनाएंगे। हम बोले, बोले बोलिए आप लोग बताइए तो हम बोले कि ये बना के तैयार किए। हम तो हरी बने के हम बनाए, थोड़ा सा हम भी हेल्प किए, ये सब चीजें यही बनाते हैं तो खाए जाए। बनाने नहीं आता तो खाए जाए। तो फ्रेंड हम दो केचप लिए हैं, एक टमाटर सॉस है और एक है चिल्ली सॉस। तो चिल्ली इसी के साथ खाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। चेक किया जाए खा के। चलिए टेस्ट करते हैं आलू चॉप, झारखंडी आलू चॉप गरम गरम है फ्रेंड, चिल्ली सॉस के साथ। चलिए ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं, आप ही को बोल रहे हैं। तो फ्रेंड काफी टेस्टी बना हमारा पटेटो बड़ा आलू चॉप। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हमारा आलू चॉप कैसा बन के तैयार हुआ है ये बोले मेरा नाम लेने बोलना, क्योंकि यही बनाया है। चलो दीदी का नाम लेकर मैंने बोलिएगा फिर, अच्छा बनाए पारस जी ऐसा बोलिएगा सब ना। हम बनाए तो किसको बोला हम? अच्छा कोई बात नहीं, आपको बोले। तो चलिए तो फ्रेंड आज का ब्लॉग को फिलहाल करते हैं, फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय फ्रेंड।